তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে যাচ্ছি রিম্বা টেম্পলে। লোলো কেসার বিলো না কেসার না অনেকটা দূরে। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টেম্পল। এটি মহাভারতের একটি রিম্বা দেবী টেম্পল, যা সম্পর্কে আমাদের স্যার এখন কিছু বলবেন। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये हिडिम्बा का टेंपल है, इसको हिडिम्बा देवू का टेंपल भी बोलते हैं। ये जब भीम को या पांडव को जंगल भेजा गया था वनवास 12 साल का, तो भीम घूमते हुए मनाली आया था, और मनाली आने के बाद जब इधर आए घूमते हुए छुप कर भेष बदल के, तो यहाँ पर गुफा है पीछे में जिसमें कि हिडिम्ब और हिडिम्बा दोनों भाई बहन थे, रहते थे। और उस बहन का कहना था कि जो मेरे भाई को पराजित करेगा हम उसी से शादी करेंगे, और वह बहुत शक्तिशाली था। भीम ने उसको हराया, भीम से उसने शादी की। अगर हिस्ट्री में अगर जाइए तो हिडिम्बा यहाँ की लोकल ट्राइबल लेडी थी, और उसने नॉन ट्राइबल आर्यन से शादी किया। उसके बच्चे को समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बच्चे का नाम था घटोत्कच, जिसको लोग राक्षस कहते थे। हिडिम्ब और हिडिम्बा दोनों बच्चे का माँ बाप का पता नहीं है, मतलब वो या तो नाजायज पुत्र होंगे या ऐसे बच्चे थे जिनको कि माँ बाप का नाम पता नहीं था, तो उनको भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, इसलिए वो शहर छोड़कर गांव छोड़कर यहाँ पीछे में ट्यूब में आकर रहने लगे। और अभी जो आप देख रहे हैं ये डेंसिटी कम है, ये मंदिर 1553 में बनाया गया। ये उड़न काम जो आप देख रहे हैं 1553 बहादुर सिंह ने इसको बनाया था, और ये जो है केव स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें तिब्बतन इम्पैक्ट है। सेकेंड वाला फ्लोर आप देखिए, पीछे अगर आइए आप लोग देखिएगा, उसमें तिब्बतन इम्पैक्ट है। लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है तिब्बतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब मेन कारण इसका क्या है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर बारिश होगा वहाँ पर जो हम हिंदू टेम्पल में आप देखिएगा कि वो ऐसे बनता है और उसका प्लेन बनता है, वो चीज़ यहाँ नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, वजन के कारण जो वो कलेप्स कर जाएगा। 1553 में ये बना मंदिर, और ये आज तक लगभग उसी तरह से है, थोड़ा बहुत रेनोवेशन का जरूरत पड़ा। और ये जितना पेड़ देख रहे हैं ये प्राचीन जो है, इसको अंग्रेजी में साइन बोलते हैं। सिदार या पाइन का ट्री बोलते हैं, इसमें छोटा छोटा पत्ता देखिएगा, नंदन में नारियल आपको कट करके दिखाएंगे, इसलिए होता है वो पानी नहीं छोड़ सकता, पत्ता जितना छोटा हो।